क्लास फर्स्ट हिंदी रिमझिम बुक सेवन चैप्टर रसोई घर जहाँ पे हम खाना बनाते हैं किचन। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं कि आज रसोई घर की जो खिड़की है वो मुन्ना और मुन्नी दोनों ने मिलकर खोली है। दोनों भाई बहन होंगे, दोनों ने मिलकर उस खिड़की को खोला है और अंदर देखा चकला बेलन और चाकू और छलनी बोल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। चकला जिसमें हम रोटी बनाते हैं बेलते हैं और बेलन जिससे हम रोटी बेलते हैं, चाकू जिससे हम सब्जी और कुछ भी चीज़ काटते हैं और छलनी जिससे हम फ्रूट वेजिटेबल उनके छिलके उतारते हैं उनको छलनी बोलते हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूँ टुकड़ा टुकड़ा सबको बाँटूँ, यानी मैं चाकू हूँ, ये चाकू बोल रहा है कि मैं चाकू हूँ और सभी सब्जी फल और को काटता हूँ और टुकड़े टुकड़े करके सारे सब्जी फल के टुकड़े करके सबको बराबर भाग में बाँटता हूँ। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। अभी छलनी बोल रही है कि गाजर और मूली प्याज टमाटर उन सब के छिलकों को छिलना हो तो मैं छिलता हूँ और छिल करके उनको थाली में सजा करके रखता हूँ। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, अब थाली बोल रही है कि मैं गोल चांद जैसी थाली हूँ, मेरा रूप है वो चांद जैसा गोल गोल है, आकार है वो, बस सकती हूँ बनकर थाली, यानी जब मुझे बजाना हो किसी चम्मच की सहायता से तो मैं बजती भी हूँ ढोलक की तरह। मुझ में रोटी सब्जी डाली, यानी मुझ थाली में रोटी और सब्जी डालकर और सभी ने झटपट खा ली, सब उस थाली में सब्जी रोटी दाल सब रख कर के झटपट खा लेते हैं, खाने के लिए मुझ थाली का ही इस्तेमाल करते हैं उपयोग करते हैं। प्रश्न उत्तर कुछ और काम। मैं चाकू हूँ, ये चाकू है, मैं सब्जी काटता हूँ, क्या करता हूँ मैं सब्जी काटता हूँ, हम चकला बेलन है और हम रोटी बेलते हैं, ये चकला है और ये बेलन है, वो दोनों क्या करते हैं रोटी बेलते हैं, ये छलनी है जो चाय या कोई और चीज़ गारने के लिए काम आती है, तो चाय छानती है कि मैं छलनी हूँ मैं चाय छानती हूँ, और ये थाली है मैं थाली हूँ मुझ में खाना खाओ, यानी मुझ में खाना खाते हैं थाली, और ये छिलनी है मतलब जिससे फल और सब्जियों के छिलकों को निकाला जाता है, मुझ से छिलका निकालो यानी मैं छिलनी हूँ। सही और गलत, यहाँ पर सही और गलत करना है। रसोई घर का चित्र देखो और बताओ, वहाँ पे एक रसोई घर का चित्र है उनको देखकर आपको यहाँ पे टिक करना है, जैसे पतीला चूल्हे के नीचे है तो हाँ नहीं, पतीला है वो चूल्हे के ऊपर रखा हुआ था इसलिए गलत है, चूल्हा अंगीठी के अंदर है तो राइट है, टोकरी में आम रखे हैं तो नहीं आम नहीं रखे हैं, अक्षय चावल बीन रहा है तो राइट है, माँ खाना बना रही है तो राइट है, आले में लालटेन रखी है तो राइट है, दादी किताब पढ़ रही है तो राइट है, और सुहानी खिड़की से झाँक रही है तो राइट है, ये सब चीज़ें एकदम करेक्ट है, ऊपर फोटो दे रखी है उसमें से देखकर कर राइट और रॉन्ग करना है। काम ही काम, यहाँ यहाँ क्या काम हो रहा है गोला लगाओ, यहाँ पे क्या काम हो रहा है ये चीज़ आपको क्या दिख रहा है तो तलना, यहाँ पे तला जा रहा है इसलिए तलने पर गोला लगाएंगे, इनमें से कौन काटेगा मतलब ये चाकू सिलबट्टा छिलनी किन से काटोगे, तो चाकू से काटेंगे, सिलबट्टा से तो कूटते हैं छिलनी भी नहीं, ये पसूल से भी काटेंगे, दाव से काटेंगे, कैंची से काटेंगे, उसके बाद हथौड़ा गुलेल और ढक्कन की से नहीं काटते हैं इसलिए वो चीज़ काम की नहीं है। किन से क्या काटोगे यहाँ पे कपड़ा दे रखा है, कागज बैंगन आम रस्सी सेब और गन्ना,
अब किन चीज़ से क्या काटोगे इस चाट में रखना है, जैसे कैंची से क्या काटोगे और चाकू से क्या काटोगे, इन में से देखकर आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कैंची से हम कपड़ा काटेंगे, कागज काट सकते हैं और रस्सी काट सकते हैं, चाकू से आम, बैंगन, सेब और गन्ना, ये चार चीज़ें हम चाकू से काटेंगे। उसके बाद जो ऊपर राइट रॉन्ग किया था उसका चित्र, यहाँ पे ये चित्र है जो राइट रॉन्ग किया था, ये तपेला है वो चूल्हे के ऊपर है, माँ है वो खाना बना रही है, फिर यहाँ पे सब चीज़ें रखी गई हैं, उसके बाद दादी है वो किताब पढ़ रही है, टोकरी में वेजिटेबल, ऑरेंज और वो रखे हुए हैं, और ये चावल बीन रहा है, यहाँ पे ये सब दे रखा था। बच्चों से बातचीत कर रहे रसोई घर में, क्या कौन क्या कर रहा है, टोकरी में कौन सी सब्जियाँ रखी हैं, तुम अपनी माँ के साथ रसोई में क्या क्या काम करवाते हो, वो सब आपको करना है। उसी में हमने यहाँ पे राइट रॉन्ग किया था, ये यहाँ पे कि पतीला चूल्हे के नीचे है तो नहीं, वो ऊपर था, चूल्हा अंगीठी के अंदर है तो राइट है, टोकरी में आम रखे हैं तो वो गलत है, आम नहीं रखे हैं उसमें तो वेजिटेबल और ऑरेंज रखे थे, अक्षय चावल बिन रहा है तो राइट है, माँ खाना बना रही है तो राइट है, आले में लालटेन रखी है तो राइट है, दादी किताब पढ़ रही है तो राइट है, और सुहानी खिड़की से झांक रही है तो राइट है। यहाँ पे सुहानी, ये सुहानी है जो बिल्ली है उसका नाम है सुहानी, वो झांक रही है, और यहाँ पे ये लालटेन यहाँ पे रखी हुई है, ये रही लालटेन, लालटेन, माँ खाना बना रही है, ये सब राइट रॉन्ग हो गया।